नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से पहले हिंदू उम्मीदवार पंडित मनमोहन झा गामा को उम्मीदवार बनाया है। मनमोहन झा गामा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी वो पूंजीपतियों की पार्टी है। 22 साल समाजवादी पार्टी की सेवा की, लेकिन हमें कुछ भी अधिकार नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी संविधान पर विश्वास करते हैं। उनके बारे में गलत कहा जाता है कि वो मुस्लिम पार्टी के नेता हैं। मैं दिल की गहराइयों से अपने नेता, गरीब मजदूर किसान दलित अल्पसंख्यकों की आवाज को हमेशा बुलंद करने वाले ओवैसी साहब का आजीवन ऋणी रहूंगा। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा। और जब तक शरीर में जान है ओवैसी साहब जिंदाबाद करते रहे। अच्छा गामा जी, एक बात बताइए कि AIMIM जो पार्टी है उसमें सभी जितने भी अभी तक प्रत्याशी उतारे हैं वो सभी मुस्लिम हैं। आप हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये आप पर इतना विश्वास जताया है आखिर क्यों? हिंदुस्तानी हूँ, यही लड़ाई है हमारी इन भारतीय जनता पार्टी और कुछ चैनल जो एक प्रोपेगेंडा करने का काम करता है कि ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं। अरे ओवैसी साहब, जब गुप्ता को गोरखपुर में मारा जाता है तो कौन लड़ता है? ओवैसी साहब लड़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव को लेकर किस स्तर पर तैयारियां की गई हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से खास बातचीत की हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। चुनाव आयोग ने 22 तारीख तक चुनाव प्रचार के भी रोक लगाई है। हमारे साथ DM हरिद्वार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। डीएम साहब, किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव में, कोविड का ध्यान रखते हैं? देखिए, अभी निर्वाचन आयोग ने 22 तारीख तक रैलियों पर, रोड शोज, बाइक बाइसिकल जो शो होते हैं उन पर सब रोक लगा रखी है और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। हमारी सारी टीमें FST की सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और ROs फील्ड में हैं और उन लोगों का हर संभव प्रयास है किसी भी दशा में आचार संहिता का कोई उल्लंघन न हो। यदि कोई मामले आ रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फैसला दिया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के जितने भी नेता है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है वो उन पर उनका जो डाटा है आपराधिक सारा ऑनलाइन किया जाएगा, उस पर क्या दिखे? देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो पिटीशंस थी उस पर आदेश किए थे, उसको ही निर्वाचन आयोग ने समराइज करते हुए एक निर्देश सभी DOs को भेजा है और हमारे CEO के पास भी गया है। सभी पोलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को मीटिंग बुला के उन्हें बता दिया गया है कि उनका जो भी आपराधिक प्रवृत्ति होंगे उन्हें अपना नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में इसको शो करना पड़ेगा। इसके अलावा 3 बार उन्हें समाचार पत्रों में विड्रॉल के बाद प्रकाशन कराना होगा, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में और एक लोकल समाचार पत्र में, साथ ही TV सोशल मीडिया पर भी उसका प्रकाशन करना होगा और ये बात सभी पोलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को विधिवत बता दी। यदि किसी नेता पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होंगे तो क्या उनका नॉमिनेशन कैंसिल किया जाएगा? ऐसा कोई प्रावधान नहीं, केवल ये है जो कन्विक्टेड होंगे, जिनको कन्विक्शन हो चुका है किसी बड़े अपराध के मामले में, जिसमें 3 साल ऊपर है, तो उसके लिए प्रावधान है। वैसे वो चुनाव लड़ने से अयोग्य होता है, बाकी मामलों में अगर मामला अंडर ट्रायल है तो जब तक कोर्ट से साबित नहीं हो जाएगा चुनाव लड़ने के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जाएगी ताकि लोकल मतदाता जान सकें कि वो जिस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं उसका इतिहास क्या है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं झबरेरा विधानसभा से कांग्रेस के दावेदार राजपाल ने चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की हैं, इसी को लेकर झबरेरा से कांग्रेस पार्टी के दावेदार राजपाल से खास बातचीत की हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने। इस दौरान क्या कुछ कहना है राजपाल का, सुनिए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम अभी झबरेरा में पहुंची है। झबरेरा में कांग्रेस के दावेदार राजपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की इनकी चुनाव की तैयारियां हैं। राजपाल जी, किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं, अपना कीमती समय आपने निकाल कर मुझे वक्त देने का समय दिया है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। वो चुनाव चाहे वो BDC मेंबर से लेकर के प्रधान ग्राम
जिला पंचायत सदस्य का हो या विधायक और एमपी का हो, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। अपने टिकट के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल देखिए, टिकट की जहाँ तक बात है, हर दावेदार, जितने भी यहाँ पर दावेदार हैं विधानसभा झबरेड़ा के, मैं समझता हूँ सभी आश्वस्त हैं। हर आदमी अपने प्रयास में लगा हुआ है। आप कितने आश्वस्त? मैं पूरा आश्वस्त हूँ और मैं समझता हूँ जो भी पार्टी हाईकमान का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। 2012 में कांग्रेस पार्टी ने आप पर दांव खेला, 2017 में कांग्रेस ने फिर दोबारा दांव खेला, लेकिन आप नहीं जीत पाए। क्या तीसरी बार भी कांग्रेस पार्टी आप पर दांव खेलेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको लोगों ये बताना चाहता हूँ कि 2002 और 2007 का चुनाव आपने देखा होगा तो कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर स्थिति में थी, लेकिन जब ये झबरेड़ा के नाम से सीट आई और आरक्षित हुई तो हम लोग यहाँ पर 2010 में हमने कांग्रेस पार्टी के लिए तैयारी करी थी चुनाव लड़ने की, और मैं समझता हूँ पार्टी हाईकमान ने एक विश्वास जताया और मुझे कैंडिडेट बना करके झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भेजने का काम किया। और आप को इस बात की भी जानकारी होगी कि मैं उस समय 2012 में मैं जब चुनाव लड़ा तो मैं दूसरे स्थान पर रहा और 19,000 वोट लेने का काम किया, और ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी पार्टी के कार्यकर्ता को, अपने समर्थकों को और सभी अपने साथियों को जो क्षेत्र के हमारे जो साथी पार्टी के लिए काम कर रहे थे और कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और मैं जब 2017 का चुनाव लड़ा, चूँकि मैंने 2012 से लेकर के 2017 तक मैं पूरे अपने क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं हर आदमी तक पहुंचने का काम किया, मैंने आम जन तक पहुंचा। 2017 में यहाँ से बीजेपी के देसराज कर्णवाल जी विधायक हुए, उनके काम को लेके कितने संतुष्ट रहे यहाँ की जनता, और आपका क्या मानना है? देखिए, जनता की अगर मैं बात करूँ तो मैं 2017 की जो मैं बात कर रहा था, 2017 में मैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर मैंने चुनाव लड़ा और मैंने 30,000 वोट ली, लेकिन बहुत मुश्किल दौर भी था और कुछ ऐसा यहाँ पर एक हवा चली बीजेपी की, जो लोग हमारे से जुड़े हुए भी थे वो भी लोग भाजपा के साथ जुड़ने का काम उन्होंने किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज इन 5 सालों के अंदर, चूँकि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं 2017 से और 2022 तक का जो चुनाव है, जो सफ़र था, ये लगभग तय होने जा रहा है, और मैं समझता हूँ क्षेत्र की जनता, जनता होती है जनार्दन, और मैं समझता हूँ कि जनता ही अर्श पर पहुँचाती है और जनता ही फर्श पर डाल देती है, ये हमेशा होता है। और ये भी 2022 का चुनाव आपके सामने, निश्चित रूप से विधानसभा झबरेड़ा की जनता इस बात का जवाब देगी। राजपाल जी, हमने जहाँ तक क्षेत्र का भ्रमण किया, देसराज कर्णवाल का विरोध है क्षेत्र में, लेकिन बीजेपी इस बार जो है उनकी धर्मपत्नी जो है वैजयंतीमाला, उन पर दांव खेल सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी आ जाए, रहेगा तो परिवार का ही, भाई देसराज जी लड़ते हैं वो भी उसी परिवार से, और उनकी धर्मपत्नी अगर चुनाव लड़ती है ये अच्छी बात है, उनको लड़ना चाहिए, चुनाव भी लड़ना चाहिए, सिटिंग MLA के रूप में है उनका जो देश राज्य है हमारे, तो जनता इस बात का जवाब देगी। पूरे 5 साल के जो कार्य है, जो यहाँ पर इस क्षेत्र में धरातल तक नहीं पहुँच पाए, तो उन सभी को मैं समझता हूँ जनता देख रही है और उनका जवाब देगी 2022 में। आखिरी सवाल, यदि कांग्रेस आप पर दांव खेलती है तो क्या झबरेड़ा की सीट कांग्रेस की झोली में डालने का काम इस बार करेंगे? देखिए, मैं झबरेड़ा की नहीं, अब मैं उत्तराखंड की भी बात करूँगा। उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने अपना मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ को देख रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की 2022 में यहाँ सरकार बनेगी और झबरेड़ा की सीट भी कांग्रेस की झोली में जाएगी। मुख्यमंत्री किसको बनना देखना चाहते हैं? हमारे तो देखिए, हमारे आदर्श और हमारे प्रेरणा स्रोत और उत्तराखंड की जन जन की आवाज़, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी को का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की जनता देख रही है, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय हरीश रावत जी उत्तराखंड के होंगे। धन्यवाद। क्योंकि उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत और हम सब की चाहत हरीश रावत। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजपाल जी, जो झबरेड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर, इन्होंने दावेदार के तौर पर हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जन जन की आवाज़, जन जन के नेता हरीश रावत जी ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, झबरेड़ा।
बांदा में मतदान और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने घर घर जाकर टीकाकरण कराया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूक किया है। प्रशासन पोषण पाठन अभियान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्य के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने गोद ले विद्यालयों में 101 अधिकारियों को मतदाता जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसी कड़ी में 101 अधिकारियों की तरफ से अपने अपने गोद लिए गाँव में मतदाता जागरूकता एक उत्सव के रूप में मनाया गया। आप स्वयं देख रहे हैं, आप हमारे साथ टहलते रहे हैं, तो किस तरह से लोग ने इसको उत्सव के रूप में मनाया है आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने अपील की वोट करेंगे, लोकतंत्र मजबूत करेंगे, 23 लोग वोट करेंगे, इस स्लोगन के साथ हम जगह जगह गांव में घूमे हैं, कुंडी खटखटाए हैं, लोगों से 23 फरवरी को 75% से अधिक वोट देने के लिए अपील की है। हमारी बहनें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, हमारी टीचर, हमारी आशा एनम आंगनवाड़ी सब हमारे साथ थी। इन लोगों ने कुंडी खटखटा करके 75% से अधिक वोट करने की अपील की है और साथ ही साथ जो प्रथम डोज द्वितीय डोज या जो 14+ से 18 तक जो बच्चे छूटे हुए थे इन लोगों ने घर से निकाल करके टीकाकरण करवाया है। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल लौटेंगे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी में बात करता हूँ। राष्ट्रहित किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, मुझे ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते हैं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया? तो अपना ने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कुशीनगर में कोविड नियमित समीक्षा बैठक जिले के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल रूम से हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक ने की, जिसमें कोविड संबंधित मामले, होम आइसोलेशन, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, जन जागरूकता, विद्यालयों में टीकाकरण समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की गई। आपको बता दें कि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर ये बैठक आयोजित की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में चुनाव कैसे जीतना है इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। वहीं इस दौरान दयाशंकर सिंह ने कहा कि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, ये पार्टी तय करेगी कि टिकट के लिए कौन बेहतर दावेदार है। मुद्दा एक ही है कि चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, चुनाव को कैसे जीतना है उसके चुनाव जीतने के लिए रणनीति है। और कैंडिडेट फाइनल होने जा रहे हैं, अब जो है मैंने पहले और दूसरे चरण के लगभग फाइनल हो गए, अब जो है तीसरे और चौथे चरण के जो है इसकी मीटिंग थी। चरण वाइज जो है पार्टी जो है इसको डिक्लेयर कर रही है, उसके लिए उसे संसदीय बोर्ड से पहले या मीटिंग थी। यहाँ बहुत से सांसद हैं, मंत्री हैं, बहुत से पदाधिकारी हैं जो अपने घर वालों के लिए टिकट चाह रहे हैं, क्या इनमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा या वही सिद्धांत है कि एक पद एक ही पद रहेगा? जो पार्टी में जिसको पार्टी उपयुक्त समझेगी सामाजिक समीकरण में कि ये जीता हुआ है उसको पार्टी टिकट देगी। राष्ट्रीय उदय पार्टी ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर की तरफ से दिए गए धोखे का दर्द बयां किया। राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पाल ने कहा कि ओपी राजभर और उनकी पार्टी के साथ साथ काम करके जनाधिकार बढ़ाया, लेकिन जैसे ही चुनाव आए और समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तो ओपी राजभर उनको भागीदारी देने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीटिंग की तो वो भी मीटिंग में मौजूद थे। सुभाषपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन तो हो गया, लेकिन जो ओपी राजभर के साथ उनकी सीटों को लेकर हिस्सेदारी की बात थी उससे अब यूपी राजभर मुकर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम लाल से हमारे संवाददाता हिमांशु गर्ग ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा बाबूराम लाल ने आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी हैं। आइए हमसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ नाराज़। सर आज आपकी तरफ से नाराज़गी देखी गई है राजभर के लिए, क्या कुछ है मामला? नहीं, मामला सीधी सी भागीदारी की है। हमारा समाज एकदम सीधा साधा समाज है, कमेरा समाज है, जंगलों में रहता है। बड़ी उम्मीद थी कि थोड़ा राजनीति में भागीदारी मिले, मान सम्मान मिले। आज 8 से 10% की जनसंख्या है पाल बघेल धनगल लिखने वाले, लेकिन कोई गिनती नहीं है। और कोई भी पार्टियां चाहे बड़ी सपा बसपा भाजपा हो कांग्रेस हो कोई भी वजन देती नहीं, वोट तो सबको चाहिए लेकिन भागीदारी किसी को नहीं देना है। तो हम सभी लोगों ने पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से माननीय ओमकार राजभर जी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके भागीदारी के तर्ज पे हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे। एकदम पैसे पसीना के पसीना बहाए, पैसे पानी के जैसा बहाए, और हम लोगों ने कार्यक्रम किए, मोर्चे को हाईलाइट किए, उससे अपना संगठन राष्ट्रीय पार्टी भी बढ़ा, भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बढ़ा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के राजनीति में जब भागीदारी देने की बात आती है तो हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, हम लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। तो आज हमने प्रेस वार्ता करके हमने सबको बता दिया है, अपने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा करके कि भाई अगर हमको भागीदारी मिलती है, कल 5 बजे का समय है, सम्मानजनक बातें होती है तो ठीक, नहीं तो हम लोग अकेले दम पे राष्ट्रीय उदय पार्टी चुनाव लड़ेंगे। भागीदारी के लिए अखिलेश यादव जी से बात करी? बिल्कुल, हमारी बात हुई, मीटिंग भी हुई, लेकिन उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी माननीय ओमकार राजभर जी की थी क्योंकि हम लोगों ने इनके साथ संघर्ष कर रहे थे लगभग 2 साल से ज़्यादा समय में। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के साथ भी 2 बार हम लोगों का मंच साझा हुआ। 27 अक्टूबर से हम लोग साथ में हैं। हमारे एक बार सभी पदाधिकारियों को समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालय पर बैठक भी हुई मोर्चे के सभी जिला अध्यक्षों की 2 तारीख को, फिर इस 12 तारीख को हमारी माननीय अखिलेश जी के साथ भी हम लोगों की बैठक हुई। लेकिन वहाँ पर हम लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ, चूँकि और भी जो गठबंधन में साथी थे उनके तो फिर फोटो चल रहा था, नाम चल रहा था, और हम लोगों का कुछ चला ही नहीं, तो मैं समझ गया कहीं नहीं कि हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। कितनी सीटों की भागीदारी के लिए आपसे बात हुई थी राजभर जी की? हमारे आश्वासन 5 से 6 सीट की आश्वासन थी। इसके लिए हम हर मंच से अपने लोगों से मैं कहता था भागीदारी हम लोगों का है, तमाम बातें हो गई। 2 दौर के वार्ता के बाद 5 से 6 सीटों का आश्वासन था, फिर भी हम लोगों का सम्मानजनक है, थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ी सीटों भी हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो सम्मानजनक भागीदारी हो, थोड़ा सा हमारा सम्मान हो, जो हम कमेरा समाज कमेरा लोग काम कर रहे हैं। अगर आपकी भागीदारी साझेदारी नहीं बनती है तो क्या आप आगे चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ते हैं तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? नहीं, निश्चित हम लड़ेंगे। आज 60 से 70 हमारी सीटों पर हमारे प्रत्याशी तैयार है मजबूती के साथ। और आज जो इन लोगों ने हम लोगों के साथ व्यवहार किए हैं, जो ये धोखा देने की बात हो रही है, ये धोखा भी हमारी ताकत बनेगी। पीलीभीत के थाना सेरामऊ इलाके में कच्चे शराब को लेकर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस की दबंगई भी देखने को मिली, जहां पर पुलिस ने महिलाओं के साथ मारपीट भी की। वहीं इस दौरान किसी ने इस मामले का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
हमारी लड़की रहे। कल ने दोनों लड़कियों को हमारे पकड़ लिया, हमारी लड़की ने पुलिस वाले को पकड़ लिया कि किसे काहे पकड़े, कौन से काम पकड़े। तब इनने जब लड़की ने ऐसा कही तब जी इनने हमारी लड़की को मारा। जब इनके लड़की को हमारे बेत चला गोल्डन पर से मुँह पर से मारा, मुँह से खून निकला जिसके तब हमारी लड़की ने ईंट धरी रही अद्धा, तो वो अद्धा उठाई लिया, तो वो अद्धा छीन करके हमने फेंक दिया। अच्छा ये बताओ पुलिस के कई जवान थे? पुलिस तो रहा ही पहले दाम आ रहा है 4-5 रहा। बलिया के बांसडीह विधानसभा से सुभासपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य मालती राजभर ने सुभासपा से बागी होकर बीएसपी का दामन थाम लिया। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मालती राजभर को बांसडीह विधानसभा से प्रभारी बनाया। मालती राजभर के साथ दर्जनों लोगों ने राजभर समाज के लोगों के साथ मिलकर बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं मालती राजभर ने कहा कि सुभासपा में महिलाओं को सम्मान नहीं है। 50% महिलाओं की भागीदारी होने के बाद भी सपा, बीजेपी और कांग्रेस ने कहीं महिलाओं को टिकट नहीं दिया है। एक तो वजह ये आ रहा है कि इस पार्टी में इन्वॉल्व होने लगा हम लोग महिलाओं का, इसलिए मतलब कोई सम्मान नहीं मिलता था। और दूसरा वजह यह है कि आधी आबादी महिला 50% की आधी आबादी है। आधी आबादी पूरे जनपद में, समझ लीजिए पूरे जनपद में 7 विधानसभा में एक भी महिलाओं को दिया जाता है, क्या महिला को वोट देने के लिए है? फरुखाबाद के मऊ दरवाजा क्षेत्र में चुनाव आयोग के आदेशों की नगर पालिका प्रशासन की तरफ से खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होते ही बैनर, पोस्टर्स, होर्डिंग दीवार से हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी महिला आंगनवाड़ी की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में वॉल पेंटिंग से दीवार पर लिखा है अब की बार बीजेपी सरकार, जो चुनाव आयोग के आदेश के खुलेआम धज्जियां उड़ाता नजर आता है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक मकान में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल पहुंचा। इस दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं मौका मिलते ही बदमाश के साथ ही मौके से भाग निकले। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी की वजह से दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे प्रदेशों में ठिठुरन भरी सर्दी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली, यूं ही ठिठुरन जारी रहेगी। हालांकि उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ चेहरों पर बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के ऊपर 21 जनवरी से सक्रिय है। इसका असर हल्का होगा लेकिन इसकी वजह से दिल्ली में 21, 22 और 23 जनवरी को बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। यानी कि आने वाले समय में भी ठंड से राहत उत्तर भारत को नहीं मिलने वाली। देश में रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली, मुंबई में कोरोना केसेस घटे हैं लेकिन कई राज्यों में वायरस का प्रकोप बढ़ा भी है। दिल्ली में सोमवार को पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जो रविवार को 18,000 से ज्यादा मामलों की तुलना में 31% कम है। पिछले दिन 28 लोगों की तुलना में 4 कम, 24 मौतें हुई हैं। इस बीच दिल्ली की संक्रमण दर 27.99% है, जो रविवार को 27.87% से मामूली ज्यादा है। एक्टिव कोविड मामलों में भी 89,000 से ज्यादा मामलों से लगभग 6,000 मामलों की गिरावट के साथ 83,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कोविड से उबरने की दर 83.65% है। दिल्ली में एक्टिव मोड की बात करें तो दिल्ली में कई एक्टिव मोड बनाए गए हैं कोविड की रोकथाम को लेकर। और अगर बात की जाए एक्टिव मामलों की तो यहाँ पर 4.87% है, जो बाकी मृत्यु दर 1.47% बना हुआ है। संघ लोक आयोग, राज्य सेवा आयोग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए
अभ्यर्थी सोहन कुमार ने कहा कि पिछले दो सालों में कोरोना संक्रमण के चलते बहुत से अभ्यर्थियों की परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण वो परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकते। ऐसे अभ्यर्थियों के भविष्य के सपने लगातार टूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि पिछले दो सालों के सभी अभ्यर्थियों की आयु सीमा में दो साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो सभी अभ्यर्थी 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट है और रोजाना कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक और नया फैसला चुनाव आयोग का सामने आया है, जहां कहा गया है कि यदि कोई पति और उसकी पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उनमें से एक को उनके आवेदन के आधार पर चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।